नमस्कार, मैं हूँ आपके सुनाचो दिवाली। आप देख रहे हैं, चलो वक्त हो गया है खबरों की खबर। देश को जानलेवा कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए एक साल पहले देश में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। उस वक्त कोरोना ने देश पर ऐसा कहर बरपाया कि सब कुछ बंद हो गया। रेल, हवाई जहाज, बसें, कारखाने, दुकान और हजारों कंपनियां समेत लगभग सभी जरूरी साधनों को बंद करना पड़ा और लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। यातायात रुक गया और सड़कें खाली हो गई। यानी एक चलता फिरता भारत, सुखी भारत, दंदनाता भारत कुछ दिनों में पूरी तरह से ठप सा हो गया था। आज एक साल बाद भले ही देश लॉकडाउन से आजाद हो गया हो, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने फिर से लोगों को खौफजदा कर दिया है। और सबसे ज्यादा खौफ के साए में मुंबई का है। उसकी दो वजह है, एक तो कोरोना के केसों में लगातार हो रही वृद्धि और दूसरा मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेन के बंद होने का खौफ। वैसे भी मुंबई का नाइट कर्फ्यू के बाद से ही डरे हुए हैं। सरकार अभी संपूर्ण लॉकडाउन से इनकार कर रही है, लेकिन लोग इस संभावना से डरे हुए हैं कि क्या मुंबई लोकल बंद हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, मुंबई वालों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कोरोना के पहले चरण में पूरी तरह से टूट गए लोगों की लाइफ का क्या होगा, क्या लाइफलाइन बंद होने से लोगों की लाइफ खत्म हो जाएगी। इन्हीं सब को लेकर हमारी संवाददाता सरिता शर्मा ने आज मुंबई करों से बात की और उनकी राय जानी। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। नहीं बंद करना चाहिए, अगर जॉब पे जाता है ना, फिर जॉब पे जाने वाला को लोकल ट्रेन बंद करेगा तो फिर मैडम तकलीफ होता है। फिर बस में तो नहीं जा सकते हैं, चर्च गेट तक जाने का है तो फिर लोकल ट्रेन में ही जाना पड़ता है। बस में जाने में तकलीफ होता है, 2-3 घंटा लगता है इधर गोरेगांव से जाने में। मैडम ऐसा फिर बंद नहीं करना चाहिए, ऐसे ही मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोना चाहिए और ऐसे ही स्ट्रिक्ट में रहना चाहिए। बंद नहीं रखेगा तो ही अच्छा है करके बोल रहे हैं मैडम। नहीं, लोकल ट्रेन तो नहीं बंद होना चाहिए, बिकॉज सबको प्रॉब्लम हो जाएगी। जो थोड़े बहुत भी आते हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम रहेगा। नहीं होएगा तो बेटर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का कुछ ऐसा है, इसमें जो लापरवाही कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, विदाउट मास्क यहाँ पे ट्रेवलिंग करना। हाँ, अगर एक्चुअल एक्शन लेना जाए, जो बोल रहे हैं कि कोरोना जो बढ़ा हुआ है वो एक्चुअल ट्रेन का ही वजह से बढ़ा हुआ है, क्योंकि ट्रेन में जो गाइडलाइंस थे वो गाइडलाइंस उन्होंने प्रॉपर फॉलो नहीं किए हैं। जो पब्लिक को गाइडलाइंस फॉलो करने चाहिए था, गाइडलाइंस उन्होंने फॉलो नहीं किए हैं तो प्रॉब्लम वो हो रही है कि इससे ट्रेन में इससे कुछ नहीं। जब पब्लिक रूल्स को ही फॉलो नहीं करेगी तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्चुअल रीजन ये है उसका। आपको बता दें कि 22 मार्च से लोकल सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। इसी दौरान रेलवे अपने कर्मचारियों के लिए वर्कमैन स्पेशल ट्रेनें चला रही थी। इसके बाद राज्य सरकार के अनुरोध पर 15 जून से रेलवे ने जरूरी सेवाओं, पुलिस, मनपा कर्मी और चिकित्सा क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लोकल सेवाएं शुरू की। इसके बाद आम लोगों को पूरे 10 महीने के बाद 1 फरवरी से मुंबई की लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई। लेकिन इसी बीच फिर से कोरोना के केस में वृद्धि होने लगी। ऐसा माना जा रहा है कि लोकल ट्रेन चालू होने के कारण ही कोविड-19 के मामलों में वृद्धि हुई है, क्योंकि लोकल ट्रेन में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है और कई लोग तो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने भी 23 फरवरी को एक साक्षात्कार में ट्रेन में लोगों की बढ़ती भीड़ और उनकी लापरवाही को कोरोना के बढ़ने का कारण भी बताया था। मैंने पहले उल्लेख किया था कि यदि ट्रेनों के शुरू होने में कोई वृद्धि हुई तो हमें यह समझने में 3 सप्ताह लगेंगे और ट्रेनों को शुरू हुए 4 हफ्ते बीत चुके हैं और कोरोना के मामलों में ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब कोरोना को रोकने के लिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को विकल्प तलाश रही है। या तो लोकल ट्रेनों में आम जनता के लिए आवंटित समय स्लॉट पर अंकुश लगाए या उन्हें लोकल ट्रेनों की सेवा से पूरी तरह से प्रतिबंध करें। केवल अति आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने और चिकित्सा देखभाल प्रदान करने वालों को ही अनुमति दें। एक राज्य सरकार के अधिकार के अनुसार आम जनता के लिए ट्रेन को फिर से शुरू करने के बाद
तीनों लाइनों में यात्रियों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार या तो आम जनता को दी गई अनुमति को पूरी तरह से रद्द कर सकती है या आवंटित समय स्लॉट को कम कर सकती है ताकि स्थानीय लोगों की भीड़ कम हो सके और जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लगाया जा सके। फिलहाल सेंट्रल रेलवे से 1686 लोकल सेवाएं लगातार चल रही है। इन सेवाओं से रोज लगभग 20 लाख लोग यात्रा भी कर रहे हैं। वहीं वेस्टर्न रेलवे से वर्तमान में 1300 लोकल सेवाएं चलाई जा रही हैं और 16 लाख से ज्यादा लोग यात्रा कर रहे हैं। कोरोना के मामले भले ही बढ़ रहे हैं लेकिन लोगों की जिंदगी अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। ऐसे हालात में अगर लोकल बंद होती है इससे कई लोगों की जिंदगी एक बार फिर प्रभावित होगी। पिछली बार की बंदी में लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी। अगर अब सरकार ऐसा कुछ करती है तो लोगों का जीवन संकट में आ जाएगा और लोगों के सामने भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। इसलिए सरकार को सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। तो इतने खास खबर, इतने खास खबरों के लिए बने रहिए खबरों की खबर। तब तक के लिए नमस्कार।